अपने कलम से दिल से दिल तक की बात करते हो, सीधे सीधे कह क्यों नहीं देते, हमसे प्यार करते हो। अभी जो डेमो देखे हैं, आप अपने फ़ोन में इस तरह का सेटिंग कैसे आप लोग इनेबल कर सकते हैं, जब भी आपके व्हाट्सएप मैसेज आएगा आपका मोबाइल खुद से पढ़कर बता दिया है कि क्या मैसेज आया है, तो इस सेटिंग को आप लोग कैसे इनेबल कर सकते हैं। सारा सेटिंग आपके फ़ोन में रहता है, आप लोग को पता नहीं रहता है कि इसको कैसे आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो सेटिंग ओपन करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, आपके फ़ोन में जो सेटिंग है उसी सेटिंग को ओपन करना है। और ओपन करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिल जाएगा, एडिशनल सेटिंग, आपको सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है एक्सेसिबिलिटी पे, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे जनरल पे है तो आपको सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, और उसके बाद में सिंपली यहाँ पे देखिए लिखा है सेलेक्ट टू स्पीच, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में यहाँ पे इसको ओके कर देना है, और ओके करने के बाद में यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, यहाँ पे और भी कुछ सेटिंग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद में सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है सेटिंग, आपको सिंपली सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ को इनेबल करना है। यहाँ पे आपको सिंपली इसको इनेबल कर देना है, और इसको इनेबल करने के बाद में यहाँ पे रीड टेक्स्ट ऑन इमेज, अगर कोई टेक्स्ट मतलब जैसे कोई फ़ोटो पे कुछ भी लिखा है अगर उसको पढ़वाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको भी इनेबल कर लीजिएगा। तो मैं तो खाली टेक्स्ट को पढ़वाना चाहता हूँ तो खाली टेक्स्ट को इनेबल करूँगा, ठीक है, ऊपर वाला, और इसको नहीं इनेबल करूँगा, ठीक है। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक्स्ट टू सर्च सेटिंग, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे शो होगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज, तो आपको लैंग्वेज पे क्लिक कर देना है। और लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद में अब किस भाषा में आप सुनना चाहते हैं, अब जो भी आपका मैसेज आया है उसको किस भाषा में आप सुनना चाहते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारा भाषा दिया है, बंगाली, आप जिस भाषा में सुनना चाहते हैं वो भाषा यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं तो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ हिंदी कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी इंडिया, तो सिंपली हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे कुछ भी सेटिंग ज़्यादा मत करना, यहाँ पे आवाज़ गड़बड़ा जाएगा, आप अपने अनुसार से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं इतना ही रहने देता हूँ, और उसके बाद में क्या करना है, सिंपली यहाँ से अब बैक आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूरा फुल बैक आ जाना है, पूरा यहाँ से पूरा बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद में सिंपली यहाँ पे आपको व्हाट्सअप को ओपन कर लेना है, तो मैं अपना व्हाट्सअप ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में बाद मान के चलिए यहाँ पे हम मैसेज यहाँ पे आया है, ठीक है, इसको पढ़वाना चाहते हैं तो कैसे पढ़वाएंगे उस, तो यहाँ पे सिंपली आपको इस वाले आइकन पे आपको सिंपली यहाँ पे इस वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद में सिंपली आपको इस पर टच कर देना है, यहाँ पे जहाँ से आपको पढ़वाना है यहाँ पे आपको टच कर देना है। अपने कलम से दिल से दिल तक की बात करते हो, सीधे सीधे कह क्यों नहीं देते, हमसे प्यार करते हो। और टच करने के बाद में यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आपको पढ़कर सुना देगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग इसको चालू करके और जितना भी आपका टेक्स्ट मैसेज आता है उसको पढ़कर रीड करवा सकते हैं, ठीक है। और सिंपली अगर इसको आप बंद करना चाहते हैं तो कैसे बंद करेंगे आप लोग, सिंपली यहाँ से हम बैक आते हैं, पूरा फुल बैक आ जाएंगे। आने के बाद में सिंपली हम क्या करेंगे, सेटिंग को फिर से ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद में फिर से वहीं पर हम जाएँगे, यहाँ पर आ जाएंगे एडिशनल सेटिंग पे, सिंपली क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में फिर से यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में फिर से यहाँ पे जनरल पर सेलेक्ट है तो सिंपली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे लिखा है ये सेलेक्ट टू स्पीच, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद में सिंपली यहाँ पर इसको ऑफ़ कर देना है, ऑफ़ करने के बाद में यहाँ से ये ऑफ़ हो जाएगा,
और ऑफ होने के बाद में यहाँ से देखिए, अब वो जो यहाँ पे आइकन था वो ख़त्म हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप लोग रीडिंग करवा सकते हैं अपने फ़ोन से। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारे इस वीडियो से आपको हेल्प मिला है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।